हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट 2016 या 2017 पेट्रोल का आज हम पूरी की टेस्टिंग करेंगे। ये अपना BCM हो गया, जो PJ वाला जो ECM लगता है, PJ वाला BCM हो गया और PJ वाला ECM हो गया और अपना मीटर हो गया यानी क्लस्टर हो गया और अपना पुश बटन हो गया और इसका ESL देख सकते हैं। ESL ये हमने कंप्लीट, इसका पुश बटन का कंप्लीट हमने सेट इधर रखा है और इसके अंदर छोटी सी एक प्रॉब्लम थी, चाबी चढ़ नहीं रही थी, तो मिल जुला के इसके अंदर डेटा का प्रॉब्लम था, वो हमने रिजोल्व कर लिया है विथ। आज हम पूरा डेटा हमने इसके अंदर सारा कुछ हमने डाल दिए, डालने के बाद अब हम टेस्टिंग करेंगे क्योंकि टेस्टिंग करना कंपलसरी है। डायरेक्ट मैं गाड़ी में लगाऊंगा, परेशान होऊंगा गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इधर उधर घूमना बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास के इश्यू टेस्टर की मशीन रहने से अपना काम ऑन टेबल बहुत इजी तरीके से काम हो जाता है। अभी मैं कंप्लीट आपको स्टार्टिंग करके आपको बताऊंगा। ये इसका रहा पुश बटन, सॉरी रिमोट। आपको रिमोट बटन के पास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप मशीन के ऊपर भी लगा सकते हैं क्योंकि मशीन के अंदर ही इन्होंने एंटीना दिया है। अभी मैं इग्निशन को ऑन करूँगा, इग्निशन ऑन हो गया देख सकते हैं। दोबारा मैं बंद करता हूँ, सिंगल की दबा रहा हूँ, इग्निशन ऑन, फर्स्ट की ऑन हुई, सेकेंड की ऑन कर रहा हूँ, इग्निशन ऑन हो गया, ताले वाला लाइट चला गया, ठीक है। अभी मैं क्रैंकिंग करूँगा, देख सकते हैं इसका पुश बटन का आपको टेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले क्रैंकिंग का बटन आपको प्रेस करना रहेगा, उसके बाद आपका बटन दबाना रहेगा, तब जाके डायरेक्ट क्रैंकिंग होती है। देखो, देख सकते हैं मेरी क्रैंकिंग हो गई, चार इंजेक्टर और चार अपने कॉयल, ये पूरा फायरिंग हो रहे हैं। और आपको इसके अंदर क्या है, आपका क्रैंकिंग करने की ज़रूरत आप मैन्युअली आप नहीं कर सकते, तो आप क्रैंकिंग का पहले बटन उधर प्रेस करेंगे, इधर बाद में आप इधर प्रेस करेंगे तो आपकी क्रैंकिंग हो जाती है। और आपको फर्स्ट स्टेप, सेकेंड आपको मैन्युअली टेस्टिंग करनी है तो क्रैंकिंग का बंद कर दें, इग्निशन बंद कर दें और सिंगल इग्निशन ऑन होगा, टिक बोल के साउंड आएगा, सेकेंड इग्निशन ऑन होगा, परफेक्ट आपका ये वर्किंग करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। अभी मैं इग्निशन सारा कुछ ऑफ कर दिया, अभी देख सकते हैं लॉक कर रहा हूँ, लॉक हो गया। अभी मैं बटन को प्रेस करूँगा, अनलॉक हो जाएगा, फर्स्ट की ऑन होगी, सेकेंड की इग्निशन ऑन। अभी मुझे गाड़ी क्रैंकिंग करनी है तो बंद कर दूंगा, पहले से क्रैंकिंग का बटन प्रेस कर लूँगा, स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट की ऑन हुआ, सेकेंड की गाड़ी क्रैंकिंग। और मेरा RPM दिख रहा है आपको, इसके अंदर ज़्यादा दिख रहा है, इधर से मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, जो मेरा RPM है वो मैं कम भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं मैं प्रॉपर खड़ा हूँ, RPM, इंजेक्टर भी प्रॉपर फायर हो रहे हैं, फ्यूल पंप भी ऑन हो रहा है, मेन रिले भी ऑन हो रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, ऑन टेबल काम करने में कितना हेल्पफुल होता है, कहीं पे गाड़ी रहती है, हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ, जब भी मैं मशीन के ऊपर काम करता हूँ हर वीडियो में यही कहता हूँ, ऑन टेबल आपके पास ये सिस्टम रहेगा, जो ऑन टेबल जो बंदे काम कर रहे हैं उनके पास ये सिस्टम रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से काम करने में मज़ा आएगा, क्योंकि गाड़ी के पास जाना बार बार नहीं रहता है, सारा कुछ आप इधर ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।